हे दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आप जो बोलोगे आपके पार्टनर वही करेंगे तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको पांच ऐसी बातें बताऊंगी जो अगर आप अच्छे से सुन लोगे, समझ लोगे, फिर इसको आप अप्लाई करोगे तो सच में आप जो बोलोगे आपके पार्टनर वही करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है उसको समझने से पहले आप एक छोटा सा चीज़ समझ लो कि अगर कोई आपकी सारी बातें मानेंगे तो भला क्यों मानेंगे, क्या ऐसा कारण है जिसके वजह से वो आपके सारी बातें मानेंगे। यही अगर आप समझ जाओगे कि कौन सा वो कारण है जो कारण की वजह से मैं जो भी कहूँ मेरे पार्टनर जो है मानने के लिए मजबूर रहेगा, मतलब मानेंगे ही मानेंगे, तो ऐसा कौन सा कारण है, तो यही मैं आपको पांच कारण आज बताऊंगी। इस पांच कारण को अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लिए तो इस कारण के वजह से ही आप जो बोलोगे सामने वाला वो मानेंगे ही मानेंगे। तो कारण मैं आज बताऊंगी आपको। पहला जो कारण है ये है दोस्तों, देखो अक्सर पार्टनर इस वजह से सामने वाले पार्टनर की बात मान लेते हैं क्योंकि वो अपने पार्टनर को दुखी करना नहीं चाहते हैं। मतलब उनको ये पता होता है कि सामने वाला जो कह रहा है अगर हम उस चीज़ को ना माने तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, रोएगा, उसको मनाने के लिए हमें मशक्कत करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, पार्टनर की बातें जो है ना मान लेते हैं। ये गई पहली कारण कि आपको वो दुखी करना नहीं चाहते होंगे। दूसरा कारण में आ जाते हैं, आपको वो नाराज़ करना नहीं चाहते हैं। मतलब कि पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि अगर सामने वाले की ये बात मैं ना मानूँ तो सामने वाला बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, फिर तो मुश्किल है, नाराज़ पार्टनर को मनाना बहुत ही मुश्किल है, तो इससे अच्छा मैं ये बात मान ही लूँ। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या है कि वो आपको नाराज़ करना नहीं चाहते हैं। अब तीसरे कारण में आ जाते हैं, तीसरा कारण ये है अगर आप किसी को भी कुछ बताते हो और वो उसको लगता है कि इस बात को अगर मैं मानूँ तो इसमें मेरा फ़ायदा है, मतलब कि उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो फिर वो ज़रूर वो काम करेगा क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ लोग करते हैं। तो तीसरा कारण क्या है कि उसको कोई भी एक फ़ायदा नज़र आ रहा है। अब चौथा कारण में आ जाते हैं, चौथा कारण ये है कि वो आपको खोना नहीं चाहते। मान लो आप कुछ ऐसी बातें बताते हो और आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये बात अगर मैं ना मानूँ तो सामने वाला मुझे छोड़ के भी जा सकता, तो इस वजह से भी वो आपकी बातें मानेंगे। और पांचवा कारण क्या है, आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो। हमें ये लगता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे मतलब आ ही जाता है कि इसकी बातें हमें मानना ही चाहिए, ठीक है, कोई भी वजह ना भी हो, लेकिन अगर सामने वाला एक वैल्यूएबल पर्सन हो तो वही वैल्यूएबल पर्सन की वही वैल्यू ही हमें उसकी बातें मानने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये पांच पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए कि कौन से कारण के वजह से पार्टनर आपके हर बात मान सकते हैं। अब इसको आप अपने रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करो वो मैं आपको समझा देती हूँ। मान लो आप ऐसी कोई बात बोलते हो, ठीक है, अब सपोज करो आप किसी को कहते हो कि मेरा ना ये वाला काम कर देना। अब आपको लग रहा है कि वो करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए आप ऐसा एक दिखाओ, ऐसे तरह से आप उसके सामने ये बात प्रेजेंट करो कि अगर तुम मेरा ये काम नहीं करते हो तो मैं दुखी हो जाऊंगी, फिर मैं नाराज़ हो जाऊंगा। इस तरह से आप प्रेजेंट करो ताकि उसको लगे कि ये काम अगर मैं ना करूँ तो कुछ ना कुछ इफेक्ट इसका पड़ेगा। अगर उनको ऐसा लगेगा कि ये काम मैं ना करूँ तो सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना वो गुस्सा होंगे, ना वो नाराज़ होंगे, ना वो दुखी होंगे, ना उसको खोने का कोई डर है। इस तरह से अगर कोई भी कारण ना हो तो सामने वाले आपकी बातें क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे। इसलिए जब भी आप किसी को भी कोई भी आप काम करने के लिए बोल रहे हो या फिर कुछ भी आप कराने के लिए सोच रहे हो तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रखो पहले, ठीक है। मान लो आप किसी को कहते हो कि तुम उस लड़की के साथ ना ज़्यादा बातें मत करना, अब वो आपकी बातें क्यों सुनेंगे, उसके साथ एक कारण जोड़ दो। अगर तुम ये करते हो तो ठीक है करो, लेकिन मेरे साथ फिर तुम कभी बात नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होता है, उसके मन में खोने का डर पैदा होता है कि अगर मैं उस लड़की के साथ बात करूँ तो ये वाला मुझे छोड़ के ही चले जाएंगे, तो इस कारण की वजह से वो काम नहीं करेंगे और आपकी बातें मानेंगे, ठीक है। इस तरह से जिस तरह का आप कुछ भी काम उससे करवाना चाहते हो उस तरह का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न रखो। ये चार पॉइंट के सार, ठीक है।
पांचवा पॉइंट में क्या है, आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाओ। अब खुद की वैल्यू कैसे कैसे बढ़ानी है इस पे अगर आप एक अलग वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे बता दूंगी कि खुद की वैल्यू आप किस किस तरह से बढ़ा सकते हो ताकि आप जो भी कहो सामने वाला वो मानने के लिए मजबूर रहे। खुद को इतना वैल्यूएबल पर्सन कैसे बनाया जाए, अगर इस पे आप वीडियो चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और चार बातों के सार में आपको समझा दिया कि एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बनाओ, फिर आप सामने वाले को कुछ भी कहोगे तो वो डेफिनेटली आपकी बात मानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे अमेजिंग साइकोलॉजिकल लव टिप्स रेगुलरली पाना चाहते हो तो स्टीफन नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लेना। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हो तो कॉल फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।